नौतपा में सूर्यदेव की प्रचंडता से जनजीवन हलकान है, पशु पक्षी भी गर्मी के चलते परेशान है। शहर में जलाशय और तालाबों का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। ऐसे में सड़क पर घूम रहे आवारा पशुओं और जानवर पानी के लिए भटक रहे हैं। आखिर इन बेसहारा जानवरों का सहारा कौन बनेगा? लोगों की तरह पशु पक्षी शहर में बेहतर जीवन के लिए आते हैं, मगर शहर में तालाब और नदियां खत्म हो चुकी हैं। मानवों के लिए तो जल संकट गहराया हुआ है, ऐसे में पशु पक्षियों के लिए भी जल उपलब्ध नहीं है। सूरज अपना रौद्र रूप दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, पारा 48 पहुंच रहा है। ऐसे में मानव तो मानव, पंछियों के लिए भी जल चाहिए। ऐसे में पंछी लंबी उड़ान भर रहे हैं, इसके बाद भी उन्हें दूर दूर तक तालाब और नदियां नहीं मिल रही हैं। पंछियों के कंठ सूख चुके हैं, गर्मी से पशु पक्षी लू की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में इनका ध्यान रखने को कोई नहीं है। गर्मी से बीमार पशु पक्षियां मौत का कारण बन रहे हैं। गर्मी में समाज सेवी संस्था भी दिखाई नहीं दे रही हैं, जो नेकी कर दरिया में डालती हैं। ऐसे में पशु पक्षी उन समाज सेवी संस्थाओं की राह ताक रहे हैं, जो गर्मी में उन्हें ठंडा जल और भोजन दे सके। गर्मी से पशु पक्षियों का हाल बेहाल है। लोग पशु पक्षियों के लिए अपनी मर्यादा और कर्तव्यों को भी भूलते जा रहे हैं। नगर निगम आगरा के द्वारा जो स्ट्रे एनिमल्स हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था की गई है, तो शहर में अलग अलग भागों में हमने टंकियां रखवाई हुई हैं जिसमें पानी प्रतिदिन भरा जाता है, और साथ में डॉग हाउस भी बनवाए हुए हैं। डॉग हाउस के माध्यम से जो डॉग्स वगैरह हैं, जो स्ट्रे एनिमल्स हैं, उनको उसमें शेल्टर मिल जाता है। और पब्लिक से अपील भी की गई है कि वो लोग अपने आसपास अपने घरों के सामने पानी की व्यवस्था करें, खाने की व्यवस्था करें, ताकि जो आवारा निराश्रित पशु पक्षी हैं उनको भोजन पानी की व्यवस्था हो सके और जो भीषण गर्मी है उसमें आराम मिल सके। नगर निगम के पशु कल्याण अधिकारी अजय यादव ने बताया कि नगर निगम ने पशु और पक्षियों के लिए बेहतर सुविधा दे रखी है। गर्मी से राहत देने के लिए नगर निगम ने रोड पर डॉग हाउस बना रखे हैं। नगर निगम की गौशाला में गायों के लिए 110 पंखे लगा रखे हैं। खाने के लिए पेठे के छिलके दिए जा रहे हैं, जिसके चलते गायों को पानी की कमी ना हो। बाहर घूम रहे बेसहारा जानवरों के लिए पानी की टंकी लगाई गई है। नगर निगम की कैटल कैचिंग टीम है, वो जो छूटे हुए जानवर है उनको पकड़ने का कार्य करती है। प्रतिदिन टीम के द्वारा अलग अलग एरिया में शहर की कार्रवाई की जा रही है, और अगर कोई भी पशुपालक अपना पशु छोड़ता है तो उसको पकड़ा जाता है और उसके बाद जुर्माने की कार्रवाई की जाती है। ऐसी भीषण गर्मी में पशु लू लपेट में आ रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने दफ्तरों में एसी की सुविधा की हुई है। शहर में लोगों के लिए रोड पर धूप से बचने के लिए ग्रीन नेट भी लगा दिए हैं, मगर उन बेसहाराओं के लिए प्रशासन के हाथ खाली हैं। पशु पक्षियों के लिए कोई खास सुविधा मुहैया नहीं हुई है। लोगों ने अपने वाहनों को रोड पर भी पेड़ों के नीचे लगा रखा है, ताकि उनकी गाड़ी गर्म ना हो, और पशुओं को धूप की मार के लिए छोड़ दिया है। रोड पर निकले व्यक्ति भी हेलमेट और स्वाफी बांध कर चल रहे हैं। शहर में कई पशुपालक हैं जो गाय को रखते हैं, मगर सुबह होते ही उन्हें भोजन की तलाश में बाहर छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें भोजन तो भोजन पानी भी नसीब नहीं होता है। यही कारण है कि गर्मी से पशु पक्षियों की जान जा रही है। सी न्यूज के लिए आदर्श शर्मा की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।